नमस्कार, स्वागत है आपका जय स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम एक ऐसे सक्सेस से मिलाएंगे जिन्होंने कई सारे मुकाम हासिल किए, एक ऑफिसर भी रह चुके हैं एयरफोर्स में, आज वो एक पदवी से नवाजे गए हैं एयरफोर्स में भी, और एक्स सर्विसमैन के रूप में आज हमारे बीच में हैं। कई सारी सेवाओं की तैयारी भी कर रहे हैं आज ये। भारत सरकार के सेवार्थ कुछ वैकेंसीज हैं जो अप्लाई करते हैं, क्वालिफाई भी किए इन्होंने, जैसे आपका एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, देन अदर एग्जाम्स हैं जहाँ इनको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे पीसीएस में हाल ही में उत्तर प्रदेश में ही एक्स सर्विसमैन को भी दिया गया था कोटा, तो उसमें भी अपेयर हुए, अच्छा स्कोर किया। तो बस हम यही जानना चाहते हैं इनसे कि बच्चों के लिए क्या इंस्पिरेशन रहेगा, क्या फोकस करें, किस तरह से वो अपने आप को मैनेज करें। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के बच्चे का फोकस नहीं बन पा रहा है पढ़ाई पर, तो उनके लिए एक मैसेज है कि ऐसी तैयारी करनी चाहिए और किस तरह की किताबें, किस तरह के टीचरों के साथ उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूँ मिस्टर बाह्य गुप्ता जी का इस चैनल पर। नमस्कार, और नमस्कार। हमारे धन्यवाद। कुछ बच्चों को बताइएगा कैसे कैसे एक प्रीव्यू रहेगा, कैसे सक्सेस के पॉइंट हैं, तो वो हमारे बच्चे जानना चाहते हैं आपसे कैसे पॉइंट हैं आपके, कहाँ तक आपने सक्सेस हासिल की और आगे के लिए क्या पॉइंट रहेंगे, तो वो आप बताइएगा। धन्यवाद सर कि आपने मेरे को इसका समझा कि मैं सामने आपके साथ आके और इस चीज़ के बारे में अपने ये ज्ञान जो है सभी स्टूडेंट को दे सकूँ जो समय आजकल तैयारी कर रहे जी हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी किसी की या तो स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोग अपना एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। जो चीज़ आपकी वीक है उसको टाइम टेबल में ज़्यादा लें। जैसे जी मान लीजिए कि मैं 6 घंटे का एक टाइम टेबल बनाता हूँ और इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए या जीएस का मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, जो प्राइमरी चीज़ें सभी कंपटीशन की एक प्राइमरी चीज़ें हैं। यस तो इनमें जैसे मैथमेटिक्स में मैं वीक हूँ तो मैं 2 घंटे ले सकता हूँ, इंग्लिश अगर मेरी कमज़ोर है तो उसमें भी मैं 1.5 2 घंटे रख सकता हूँ, और बाकी बचा मेरा टाइम और 2 घंटे का 6 घंटे में। और इस तरह फिर रीजनिंग, जैसे जनरल लोगों की आजकल के बच्चों की रीजनिंग ठीक ठाक होती है तो रीजनिंग के लिए 1 घंटा 1.25 घंटा रख सकते हैं। तो गाइस आप देखिए, इतना सारा मैनेज दे रहे हैं सब्जेक्ट को बैलेंस बनाकर, एक मैरिड पर्सन है, बच्चे भी बड़े हैं और फिर भी इतना टाइम पढ़ाई के लिए, बहुत बड़ी बात है। ग्रेट, यस हाँ, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते, और इंग्लिश को भी इक्वली, हमारे यूपी के बच्चे जो है इंग्लिश में वीक होते हैं तो इक्वली उनको इंग्लिश में टाइम भी थोड़ा देना पड़ेगा। और अपना एक टाइम निश्चित कर ले कि मेरे को सुबह से शाम तक इतने बजे उठना है और इतने बजे पढ़ना है। अगर कोचिंग भी कर रहे हैं, कोचिंग में आते तो 2 घंटे कोचिंग में और आना जाना 3 4 घंटे का एक बिजनेस है। तो कोचिंग इसीलिए होता है कि मैं उन लोगों के साथ उस लाइन में जुड़ जाऊं जिससे कि मेरे को ये पता चले कि करेक्ट, करंट में क्या चल रहा है। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि करंट में क्या, अगर किसी के माँ बाप के पास वो एफर्ट्स कर सकते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो अपने जो कोचिंग वो सोचते हैं कि उस कोचिंग को ज्वाइन करें और उस चीज़ का फ़ायदा लें। और जितने काउंसलर्स हैं उनसे जाने से भी काउंसलर हेल्प करने के लिए होते हैं यहाँ पे, और उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपने अपना जो भी कोई, और क्या होता है कहते हैं कि खिलाड़ी को जुनून होता है, जी खिलाड़ी को जुनून होता है तभी वो टॉप लेवल में आता है। जी तो जब तक जुनून नहीं होगा किसी चीज़ का, जब तक जुनून नहीं है किसी चीज़ का तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो हमें बिल्कुल हमें सोचिए कि हमें अपने को जो भी सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस, इसको एक जुनून की तरह लेना पड़ेगा आपको। और जो टाइम टेबल पे एक्ट करना पड़ेगा और जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं आपके काउंसलर्स आपके पास अवेलेबल हैं और जी आपके फ्रेंड्स हैं जो हो सकता है आपसे इंटेलिजेंट होंगे, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। और एग्ज़ाम में जो एक एसटी होता है, स्पीड टेस्ट, आजकल स्पीड स्पीड का खेल है। तो इस तरह से सर का अचीवमेंट रहा है, और अभी और ये अपने बारे में बताएंगे किस तरह से इन्होंने फोर्स में रह के भी
आगे की पढ़ाई की, तो एक इंस्पिरेशन आपको भी मिलेगी गाइस। जी सर, मैं जब भी रहा हूँ एयरफोर्स में 20 साल से ज़्यादा मैंने सर्विस किया है, तो मैं हमेशा न्यूज़पेपर को इम्पोर्टेंस देता था अपने न्यूज़पेपर से। तो आज जो मेरी जीके या जीए जिस मुकाम पे है, तो उस न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा रोल है। तो हमारी जो जी है जनरल अवेयरनेस जो है, उसी से तैयार हो सकती है जी। और एयरफोर्स में रह के भी एक टाइम टेबल फिक्स होता है, टाइम टेबल के तो उसी से आगे हम बढ़ते हैं आगे। तो मैं रह के अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहा हूँ एयरफोर्स में रह के, और क्योंकि जो मेरे दूसरी इनिंग की तैयारी करी, तो उस हिसाब से तैयारी भी करते हुए आगे और तैयारी करता रहा कि जिससे मैं आगे कंपटीशन में पा सकूँ, आगे निकल सकूँ। तो अभी मेरा यही जोर है कि आपको जो सोशल आजकल सोशल मीडिया बहुत हावी है, बच्चों पे काफी सोशल मीडिया हावी है, सोशल मीडिया बहुत हावी है और पर्सनल कांटेक्ट हम बनाना बहुत ज्यादा पर्सनल कांटेक्ट में बनाना और एक अच्छा ग्रुप ना होने के कारण और सोशल मीडिया ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण यही एक अनसक्सेस के पॉइंट रहते हैं स्टूडेंट के आज के दौर में। अगर अगर हमें आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया को हमें एक लिमिटेशंस देनी पड़ेगी और इन चीज़ों को हमें एक लिमिट देनी पड़ेगी। हमें लिमिट में काम करना पड़ेगा और लिमिट में ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और जो एक टाइम टेबल बना के उसी के साथ आगे बढ़ेगा, तभी हम आगे सफल हो सकते हैं। तो गाइस हमारे बीच भाई गुप्ता जी बोल रहे हैं, अपने हिसाब से इन्होंने जो भी अब तक की लाइफ में किया वो आपके बीच में शेयर किया है। तो इनका मोटिव बस यही है, एक टीचर का मोटिव भी यही रहता है कि बच्चा प्रयास करे, अपने लेवल पर अफोर्ड करेगा, सक्सेस हमेशा वो रहेगा। जरूरी नहीं कि एग्जाम क्वालिफाइड ही कर ले, अपनी लाइफ में वो कभी भी भूखा नहीं मर सकता। स्किल्ड इतने डेवलप कर रहे हैं बच्चे के अंदर कि वो कहीं भी रोजगार क्रिएट कर सकता है। पढ़ाई बच्चे को जॉब के साथ साथ स्किल्ड भी प्रिपेयर कराता है, स्किल्ड भी क्रिएट कराता है। तो ये बातें बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मायने की बात रखती हैं कि बच्चे अगर काम करें तो स्किल के साथ काम करें, एक अच्छे ग्रुप के साथ काम करें, अच्छे लोगों के साथ जुड़ें। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ग्रुप शुरू से अच्छा था, तो अच्छे ग्रुप में था कि, तो ये बहुत ही नहायत जरूरी है कि जब हम तैयारी करें तो हमारा ग्रुप ऐसा हो जो इसमें कंपटीशन हो। शायद लड़कियाँ इसी वजह से बहुत आगे निकल रहे हैं हमसे, क्योंकि हम लड़कों में आज वो कंपटीशन की कमी है। लड़कियाँ हमसे इसी वजह से आगे कंपटीशन हैं, क्योंकि वो उन लड़कियों में कंपटीशन होता है और वो आगे बढ़ जाती हैं, एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसी तरीके से हम ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जिनकी तैयारी अच्छी हो और जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले, उनसे हमारा टाइप अच्छा रहेगा तो और हम सफल कर सकते हैं। तो हाँ, तो उससे क्या होगा कि हमारी एक रिदम बनी रहेगी और हम आगे के लिए तैयारी कर सके, आगे के लिए अच्छी प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी कंपटीशन इतना टफ नहीं है जिसको हम क्लियर ना कर सकें जी। कोई भी कंपटीशन इतना टफ नहीं है कि हम उसको क्लियर ना कर सकें, अगर हमारा प्रयास सही है तो। अगर हमारा प्रयास सही है तो कोई भी कंपटीशन इतना टफ नहीं है, चाहे वो सिविल सर्विसेज क्यों ना हो, कि अगर हमारा प्रयास अच्छा है तो हम उसको जरूर जीत कर ले जाएंगे। तो ये है गाइस, तो अब तक की हमने डिटेल्स में आपको बस मोटिवेट किया है और इस मैसेज का मतलब यही है कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो अपनी पढ़ाई पर रूबरू ध्यान रहें और अपना ख्याल रखें। और मैं इनका बस धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने आपको एक अच्छा मैसेज दिया। नमस्कार, जय साहब।